तो आपको बताएं, रहनुमा पीटीआई और सीनियर वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के इंतखाबात भी उसी तरह हुए जिस तरह पीटीआई ने कराए। इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये तय करने वाला कि पार्टी का सदर या जनरल सेक्रेटरी कौन होगा। कोई एक वजह बता दें जिसको पॉइंट को लेकर काजी साहब इस बल्ले को देते निशान। 230 लोग बाहर निकाल दिए और ये मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन हेडमास्टर है क्या? इलेक्शन कमीशन अब मॉनिटर करेगी कौन सदर होना चाहिए, कौन सेक्रेटरी होना चाहिए, कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए सियासी जमातों की? क्या वो जो है जो 10 जजेस जिन्होंने फैसला किया था, पार्टी भी प्रूव कर देती ना कि ये दुरुस्त इंतखाबात हुए? अच्छा, इंतखाब में कोई चले ताल हैं, ये कौन होते हैं? मैंने खुद कराए हैं, इसी तरह इंतखाब हुए थे पीपल्स पार्टी के, एक ही हमेशा नामजद जिसको करते हैं वही आता है सिर्फ। नहीं, आया था चेयरमैन, आपने बता दिया कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में कोई फर्क नहीं, नहीं है। नून के भी ऐसे ही होते हैं कभी, आपकी बात दुरुस्त, नून लीग पीपल्स पार्टी तीनों में कोई फर्क नहीं है।